जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में घटना चक्र हिस्ट्री जीके से एंशियंट हिस्ट्री प्लस मॉडर्न हिस्ट्री का 50 मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखें। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली रात 8 बजे और रात 8:30 बजे आपको इस चैनल पर बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए लाइव चैट के साथ प्रैक्टिस सेट की क्लास दी जाती है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों, आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो प्यारे साथियों, अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, वाजिद अली शाह। और इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इल्ज़ाम लगाकर अंग्रेज़ों ने 1856 में, डेट याद रखिएगा, 1856 में अवध को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो साथियों, पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, लाहौर अधिवेशन। और ये अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को ध्यान रखें। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर आंसर आपको करना है। देखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो आप सभी जानते हैं 1906 में। तो देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। कहाँ पर, तो शिमला में। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, आगा खां के नेतृत्व में। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए, प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसका गठन कब हुआ था? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 1928 में। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किया गया था। कहाँ पर, तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। और इस संगठन के संस्थापक कौन कौन थे, तो भगत सिंह, सुखदेव एवं चंद्रशेखर आज़ाद। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और साथियों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का सही जवाब है माउंटबेटन योजना। याद रखिएगा, माउंटबेटन योजना का गठन कब हुआ था पूछा जाता है, तो 3 जून 1947 को। चलिए आगे देखिए, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। भारत में प्रकाशित हुआ था समाचार पत्र कौन सा, तो बम्बई दर्पण। और इसके संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा सही जवाब है बाल शास्त्री जांबेकर।
तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और इस समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1832 में बम्बई में किया गया था, और किस भाषा में, तो मराठी भाषा में। सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान रखें। प्रथम तीन आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? चलिए फटाफट से सात के लिए आंसर बताइए। और साथियों अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी कर दीजिए। तो जीवन के प्रथम तीन आश्रम कौन कौन से हैं? बाल आश्रम, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ है, और इसका उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। तो सही जवाब है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, याद रखिएगा। जबकि चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है जवालोपनिषद से। तो सभी को ध्यान रखें, तीन आश्रम पूछे तो छांदोग्य उपनिषद, और चार आश्रम पूछे तो जवालोपनिषद। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो प्यारे साथियों यहाँ पर सही जवाब है राखीगढ़ी। देखिए भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी है, और ये किस राज्य में पूछा जाता है, तो हरियाणा राज्य में स्थित है। सभी को ध्यान रखें। आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि उनका मूल निवास तिब्बत था? चलिए इस प्रश्न को आप सभी मार्क कर लें, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर 9 का आंसर है दयानंद सरस्वती का। आर्यों के मूल निवास तथा उसके आगमन के संबंध में विभिन्न विद्वानों का भिन्न भिन्न मत था, लेकिन दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था, तो तिब्बत में। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, आप लोग कमेंट करके बताइए। किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? चलिए आंसर कीजिए, किस धर्म का यह मत है? तो यहाँ पर 10 का सही जवाब है बौद्ध धर्म का। याद रखिएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो भगवान बुद्ध है। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को आप सभी एक लाइक जरूर कर दें। तो अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा, तो इसका सही जवाब है भाबरू अभिलेख में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए अशोक के सर्वाधिक अभिलेख जो है किस भाषा में है, ये भी पूछा जाता है, तो प्राकृत। याद रखिएगा प्राकृत भाषा में अशोक के सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और अशोक किनका पुत्र था, तो याद रखिएगा ये बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? चलिए 12 के लिए आंसर कीजिए, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो प्यारे साथियों यहाँ पर 12 का सही जवाब क्या है, गुप्त काल में। याद रखिएगा दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, और यह मंदिर देवगढ़ झांसी में स्थित है, दशावतार का मंदिर। प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। प्रश्न का लेवल थोड़ा सा अप है, लेकिन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कन्नड़ भाषा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। देखिए इल्तुतमिश द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए थे, लेकिन ऑप्शन में इल्तुतमिश नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? 15 के लिए आंसर बताएंगे। और साथ ही उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ही सभी वीडियो के पीडीएफ प्लस इम्पॉर्टेंट नोट्स दिए जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर 15 का सही जवाब है अल्फ्रेड वेगनर।
नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? अब यहाँ से कुछ प्रश्न ज्योग्राफी के हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब है 5, याद रखिएगा। कौन कौन से राज्य हैं? मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल है। जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, और आप लोग देखिएगा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर सही जवाब है, प्रायद्वीपीय नदियों में जल ग्रहण यानी जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है। भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए, भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? तो याद रखिएगा, लेटराइट मृदा का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और भारत में सबसे अधिक विस्तार पूछे किस मृदा का है? तो जलोढ़ मृदा का है। काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा कहा जाता है, और इसमें सबसे अधिक कपास की खेती होती है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो प्यारे साथियों, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, खरीफ फसल के उदाहरण कौन कौन से हैं आपको बता देते हैं, जैसे कि चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, ये सभी क्या है? खरीफ फसल के उदाहरण है। तो ऑप्शन डी में सरसों दिया हुआ है, सरसों जो है रबी फसल के उदाहरण है। गेहूं, चना, सरसों, जौ, ये सभी रबी फसल है। रेड सिंधी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? तो प्यारे साथियों, रेड सिंधी जो है ये गाय की देसी नस्ल है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखिए, देश में प्राकृतिक गैसों का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? तो देश में प्राकृतिक गैसों का सर्वाधिक भंडार जो है ये मुंबई हाई में है। तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, यहाँ लगभग कुल उत्पादन का 80% गैस भंडारित है। चलिए आगे देखिए, 24 अब 25 नंबर से होगा, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आज जो है बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, आंसर बताएंगे फटाफट से। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा, 1975 में, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है कोल इंडिया लिमिटेड का? तो नई दिल्ली में स्थित है, और इसे 2011 में महारत्न का दर्जा भी दिया गया है। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एमएम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? अब यहाँ से कुछ प्रश्न पॉलिटी के हैं, चले 26 के लिए आंसर कीजिए। देखिए, इस पीडीएफ में केवल हिस्ट्री ही नहीं, सभी विषयों के प्रश्न दिए गए हैं। हमको लगा केवल हिस्ट्री है, तो कोई बात नहीं, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आंसर करते जाइए। तो यहाँ पर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 2007 में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 155 के तहत। साथियों, संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ ग्रहण करता है। ध्यान रखेंगे, राज्यपाल किसी भी राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है। इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग ध्यान रखें।
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है आर्टिकल 108 में किया गया है, और इसको बुलाता है कौन है? भारत के राष्ट्रपति, जबकि अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए, और भारतीय संसद के इतिहास में अभी तक कुल कितने संयुक्त बैठक बुलाए गए हैं? तो 3, याद रखिएगा। संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है किस आर्टिकल के तहत? तो 123 के अंतर्गत। और संसद के पुनः सत्र आरंभ पर यह अध्यादेश जो है 6 सप्ताह, याद रखिएगा, क्या होगा? 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाना चाहिए, अन्यथा यह अध्यादेश समाप्त समझा जाएगा। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, 6 सप्ताह। सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो प्यारे साथियों, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्यारे साथियों, 32 का आंसर क्या हो जाएगा? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर से। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? थोड़े से अप लेवल के प्रश्न है, लेकिन आंसर कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किस संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, 51वां, याद रखिएगा, 51वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है 2003। ध्यान रखना है, भारतीय संविधान में 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग और आर्टिकल दोनों याद रखना है। तो ये मिलता है भाग 5 और आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक में। पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते हैं, 21 वर्ष निर्धारित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो प्यारे साथियों, संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भाषा जो है हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में किया गया था। किसके अध्यक्षता में? बीजी खरे की अध्यक्षता में 1955 में। समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? और प्यारे साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी एक लाइक ज़रूर करें, आज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? समवर्ती सूची, ध्यान रखें, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, शिक्षा हो गया, वन हो गया, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखिएगा, यशोधरा। तो यशोधरा पुस्तक जो है प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। देखिए, रंगभूमि हो गया, निर्मला हो गया, गोदान, ये सभी पुस्तक प्रेमचंद है, जबकि यशोधरा पुस्तक के लेखिका कौन है? तो मैथिलीशरण गुप्त है, याद रखिएगा,
यशोधरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैथिली शरणगुप्त है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर आप सभी डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लें। ये प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन बी 24 अप्रैल। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि विश्व विरासत दिवस पूछे तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो प्यारे साथियों, सरोद यंत्र से। चलिए, ग्रे बुक किस देश का के सरकारी रिपोर्ट या फिर प्रकाशन दस्तावेज है? तो ग्रे बुक जो है ये किस देश का है? तो याद रखिएगा सही जवाब है इसका बी और सी दोनों, यानी कि जापान और बेल्जियम दोनों का है। स्वर्णिम पैगोड़ा का देश किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, स्वर्णिम पैगोड़ा का देश कहा जाता है म्यांमार को। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। सही जवाब है इसका डी ऑप्शन, भोपाल। जबकि भारतीय वन जीव अनुसंधान संस्थान पूछे तो देहरादून में है। नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? तो प्यारे साथियों, नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को वर्ष 2003 में लागू किया गया था। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखें। और प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखना है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया है 1923 में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, और उसका हेड क्वार्टर पूछे कहाँ पर है, तो लियोंस फ्रांस में स्थित है। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो प्यारे साथियों, भारत के 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। और जबकि 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में। दोनों को ध्यान रखें। तो फिलहाल आंसर होगा सी ऑप्शन। भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? चलिए 47 के लिए आंसर करेंगे। और साथियों, आज के सेशन को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, तो यहाँ पर 47 का आंसर क्या हो जाएगा? केसी नियोगी। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण कौन है? तो सभी है, सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। GST भी अप्रत्यक्ष कर है। मनरेगा योजना को पहले चरण में देश के कुल कितने जिले में लागू किया गया था? तो देखिए, मनरेगा योजना की शुरुआत 2006 में किया गया था। कब? 2006 में। पहले इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2009 में इसका नाम मनरेगा पड़ा, और इस योजना को पहले चरण में देश के कुल 200 जिलों में लागू किया गया था। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आज के इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 49 प्रश्न ही थे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न था। और अगर आप लोग चाहते हैं आगे भी आपको इसी तरह से प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो सेशन को जितना हो सके आज अधिक से अधिक शेयर कीजिए।